नमस्कार, वेलकम यू टू ऑल ऑलिव बोर्ड एसएससी रेलवे चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑलिव बोर्ड रेलवे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में ऑलमोस्ट आप सभी लोग जानते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे पराक्रम दिवस के बारे में भी, कि पराक्रम दिवस मनाया जाता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, मगर आज 18 अगस्त है और आज इनकी डेथ एनिवर्सरी आपको देखने के लिए मिल जाती है। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस साहब की मृत्यु हुई थी, इनकी डेथ हुई थी। तो चलिए सुभाष चंद्र बोस साहब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के बारे में आज इस सेशन में हम जानेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस साहब के बर्थ के बारे में, इनके जन्म के बारे में। इनका जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, इनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस आपको मिल जाएगा। इनके जो राजनीतिक गुरु मिल जाएंगे, पॉलिटिकल गुरु मिल जाएंगे, उनका नाम चितरंजन दास है। ये वही चितरंजन दास हैं जिनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना भी की गई थी और यही इनके राजनीतिक गुरु हैं। पॉलिटिकल पार्टी सुभाष चंद्र बोस साहब के द्वारा तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनके द्वारा करवाई गई थी, और डेथ की अगर हम बात करें तो 18 अगस्त 1945 को इनकी डेथ हुई थी। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशन सुभाष चंद्र बोस साहब से संबंधित, जिसमें आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस कमेटी और फॉरवर्ड ब्लॉक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ 23 अक्टूबर 1943 को फॉर्मेशन की गई थी आजाद हिंद फौज की, जिसे कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस साहब के द्वारा दिए गए कुछ मुख्य नारे, जिसमें से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी आप सभी लोग कहीं ना कहीं सुन ही लेते होंगे। यू गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम। इसके अलावा 5 जुलाई 1943 को दिल्ली चलो मूवमेंट सिंगापुर में स्टार्ट किया गया। इन्हीं के द्वारा स्टैब्लिश किए गए थे 2 मेन हेडक्वार्टर इंडियन नेशनल आर्मी के, रंगून और सिंगापुर के अंदर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर, तो सुभाष चंद्र बोस साहब के द्वारा दो किताब, मतलब कुछ किताबें लिखी हुई मिल जाएंगी, जिसमें से महत्वपूर्ण किताब जो यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाएगी, जिसे हम इंडियन स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र साहब के संबंध में अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है भारत की स्वतंत्रता, और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। एक सवाल आपके लिए छोड़ूंगा, एक नहीं दो सवाल आपके लिए छोड़ूंगा, कि 1938 और 1939 में वो कांग्रेस के दो कौन से सेशन थे जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस ने चेयरमैनशिप संभाली थी, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था, इन दो कांग्रेस के जो सेशन हुए थे उसका। इसके साथ साथ हम सभी लोग जानते हैं पराक्रम दिवस के बारे में, जो कि सुभाष चंद्र बोस साहब की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कौन सी डेट को मनाते हैं और उसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा कौन सी तारीख को करवाई गई थी, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और इसी प्रकार के सेशंस अगर आप और भी जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।